हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नितिन शर्मा द मैथ जोन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, भिवानी बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड में जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी की आंसर की आ चुकी है। टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी सभी की आंसर की आ चुकी है। और आज हम बात करने वाले हैं जो टीजीटी में टीजीटी की आंसर की आई है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं, ऑफिशियली आंसर की में किस किस क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं, और हम किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो 60 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, 60 क्वेश्चन जो थे, उनमें से 5 क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन की आंसर गलत दिए हुए हैं ऑफिशियली। और वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके चारों के चारों ऑप्शन गलत भी है, तो हम जान लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर जो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 1, द सेकेंड बाई 2, थर्ड बाई 3 एंड सो ऑन, देन द न्यू मीन इज इक्वल टू। और आंसर की के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑफिशियली आंसर की में इसका आंसर 4 दिया है, एक्स बार माइनस एन माइनस 1 बाई 2, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है x बार प्लस n प्लस 1 बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 145, स्क्वेयर रूट ऑफ वन नंबर इज 3, द अदर नंबर इज इक्वल टू व्हाट। दोस्तों इसके चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है। और इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर होगा टू रूट 634, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है 2√34, जो कि इसमें चार ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर है इसका 2√34। और आंसर ऑफिशियली आंसर की में देखें तो कुछ और ही दिया हुआ है, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें दिया गया था द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया। जैसा कि दोस्तों हमें दिख ही रहा है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो इसमें बेस 4 हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगी, तो इसके हिसाब से हमारा एरिया आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर करेक्ट आंसर है, जबकि आंसर की में कुछ और ही दिया हुआ है जो कि रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन ए, सी या डी दिया हुआ है आंसर की में इसका, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसमें डायगोनल आपको दिया गया है, एरिया पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर बाई टू करेक्ट आंसर है। और ऑप्शनल आंसर की में इसका आंसर 4 दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाई 4, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है इसका ए स्क्वायर बाई 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 3√300x/2.56=100/x। इसमें हम x का वैल्यू निकालना था, और दोस्तों इसके चारों के चारों ही आंसर गलत है। इसके करेक्ट आंसर होगा 256/3 to the power 2/3, 256/3 to the power 2/3, ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें चारों के चारों के चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। तो ये थे अब तक के हमारे करेक्शन ऑब्जेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, और हम आपके लिए समय समय पर वीडियो देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।